the problem, man? Seen how that would affect the trial of the man arrested in connection with the alleged killing. Thank you, Your Honor. Case number 06-CF-505, State of Illinois versus Jude Rosario. Verdict. When I tell you to stop and turn face table, stop. We, the jury, find the defendant. Upper lip, lower lip, tongue up. Guilty. पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ये नई चीज आधार कार्ड, सेल फोन और ये रुपए, सब याद है ना? तेरा ही से अंदर घुसना है, फिर लखीमपुर बस पकड़ कर जाना है, लखीमपुर में 2 महीने रहना है, फिर उरी ट्रेन से जाना है, वहां जाकर ये सेल फोन ऑन करना है और बाकी के ऑर्डर्स वहीं से लेना है। और किसी हिंदुस्तानी लड़की के इश्क में नहीं पड़ना है। शाबाश बच्चा, चलो। पाकिस्तान का रहने वाला, 8 साल की उम्र में मां मर गई, 2 साल बाद बाप अफगानिस्तान में मारा गया। मुझे फैमिली हिस्ट्री नहीं चाहिए, उसे दामाद नहीं बनाना। पॉइंट पे आओ।
इंटरोगेशन में इसने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा इंडिया में एक और अटैक प्लान कर रहा है। कहा? वो उसे नहीं पता। उसे पता है, उगलवा उससे। सर, उसे हम लिमिट तक ले जा चुके हैं। पता होता तो अब तक डेफिनेटली बता देता। सर, अगर ये अटैक हम रोक भी लें तो अगला अटैक नहीं रोक पाएंगे। सर, कौन है ये? समित मिश्रा, नई डेप्यूटेशन पे आया है एनटीआरओ से। इसके बारे में मैंने बताया था आपको। सर, वो लोग हम पे फिर से अटैक करेंगे, बार बार अटैक करेंगे। जब तक इनका मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक ये लोग अटैक करते ही रहेंगे, क्योंकि ये लोग कितने भी अटैक करें हम लोग तो कभी कुछ नहीं करते। सर, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं। सर, सर मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सारे अटैक्स रोक सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। सर, जब अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे प्लान पे ठप्पा लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा सरकार में। लेकिन सर, सरकार में किसी को बताने की जरूरत ही क्या है? कहां से लाए हो इस पागल को? क्यों नहीं सर? क्योंकि हम अमेरिका नहीं हैं। रॉय, तुम क्या एक और जंग कराना चाहते हो? सर, उनके एक और हमले की देर है, जंग तो वैसे भी छिड़ जाएगी। तुम बिल्कुल उन बेवकूफ लोगों की तरह बात कर रहे हो जो रात दिन फेसबुक पर चीखते रहते हैं, लेट्स गो टू वॉर, लेट्स गो टू वॉर। 100-200 का बदला लेने के लिए हम हजारों लाखों जाने नहीं कमा सकते। सर, एक बार आप पीएम साहब से बात। दिस मीटिंग इज ओवर, वापस ऑफिस चलो। इस कमरे में अभी जो कुछ कहा या सुना जाएगा उसका एक लफ्ज भी ना तो तुम्हारे कोलीग्स, ना तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, बीवी, दोस्त, पड़ोसी या कुत्ते के कान में भी नहीं पड़ना चाहिए। Am I clear? Yes, sir. Let's do it. सर, ये तो सुसाइड मिशन है। टीम का जिंदा वापस आना पॉसिबल ही नहीं। टीम नहीं होगी। मैं भी एग्जैक्टली ये सोच रहा था सर। तो सर, आपके दिमाग में कोई है? कोई पागल ही ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी करिए, बहुत लेट कर। टू हाई प्रोफाइल विल अट्रैक्ट अननेसेसरी अटेंशन। How many times I have to remind you? नहीं, जितना जल्दी हो सके मुझे क्लासिफाइड फाइल्स भेजो। मुझे सत्यजीत बग्गा, BSF ऑफिसर्स वाली, मैक्सिमम कल तक मुझे ये सारी कुछ मिल जानी चाहिए। नहीं चलेगा। I have these 3-4 options. It's too old. बहुत देर हो गई, आगे तो नहीं निकला है? है तो यहीं कहीं। एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट। क्या करेंगे इसका? आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आपको ध्यान। पासपोर्ट है ना, ड्राइविंग लाइसेंस ना, राशन कार्ड। सर, फेसबुक पे भी नहीं है ना, ट्विटर। सर, ऑन पेपर ये है ही नहीं, बिल्कुल फैंटम की तरह। कौन है? सर, फैंटम। अरे ये कौन है? ओ सर, सर इंटरनेट पे बस इस एक न्यूज के अलावा और कुछ नहीं है, वो भी बहुत पुरानी है और बिना किसी फोटोग्राफ के। सर, बस इस छोटी सी प्रॉब्लम के अलावा परफेक्ट आदमी है सर। छोटी सी प्रॉब्लम? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सर, यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हमारे लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। सर, ट्रस्ट मी, दिस इज आवर मैन। दानियाल खान, लेकिन सर उसने तो मना कर दिया है। क्या मतलब मना कर दिया? तुम लोगों को इतनी दूर मैंने इसलिए भेजा कि वो मना कर देगा और तुम लोग भागोगे? ओके सर, हम फिर से ट्राई करते हैं, और पैसे जितने भी तुम चाहो। पैसों का मैं क्या करूंगा, मैं तो मर चुका हूँ। तो मुझे कब्रिस्तान में सबसे अमीर आदमी बनने का कोई शौक नहीं। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, लीजिए मुझे तुम्हारे पैसे और इज्जत। फौज से तुम्हें बेइज्जत करके निकाल दिया था दानिया। हम तुम्हें अपनी खोई हुई इज्जत कमाने का मौका दे रहे हैं। सर, उसने तो साफ साफ मना कर दिया। क्या कहा उसने? तो अब क्या करना है सर? ठीक है, मैं कल आ रहा हूँ। ओके सर।
आइडिया किसका है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे सिर्फ 10 जाहिल सड़क छाप लौंडे दे दीजिए और मैं दुनिया के एक सबसे बड़े शहर में तबाही मचा दूंगा, तो आप उसे भी बेवकूफी कहते है ना? आप जरूर कहते सर, लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया, और अगर वो 10 जाहिल लौंडे ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो जाहिल थे, मैं नहीं हूं। तुम्हारे अब्बा कर्नल उस्मान खान, कितने साल हो गए उन्होंने तुमसे बात नहीं की? जरा सोचो, इंडियन आर्मी में तुम्हें फिर से देखकर वो कितने खुश होंगे। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें आर्मी में अपनी पूरी इज्जत के साथ वही जगह फिर से दे दी जाएगी। नहीं होगी, अगर उन लोगों की मौत एक्सीडेंट लगे। वो बेवकूफ नहीं है, उनको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि इसके पीछे हमारा हाथ है। हम तो चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि इसके पीछे हम हैं, लेकिन हम पर इल्जाम लगाने के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। दुनिया की नजरों में वो एक्सीडेंट्स होंगे। देखो दानियाल, हम पाकिस्तान के लोगों पर अटैक नहीं कर रहे, हम सिर्फ टेररिस्ट को खत्म करना चाहते हैं। पिछले 10 साल में 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानी भी मारे गए इन सबसे रिलेटेड वायलेंस में। हमें 26/11 का जवाब देना पड़ेगा, और एक बार अगर लश्कर को समझ में आ जाए कि हम पर अटैक करने का क्या नतीजा होता है, अगली बार अटैक करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। लेकिन मैं क्यों? I'll be honest with you, Daniel. दुनिया की नजर में तुम गायब हो चुके हो, और अगर तुम 2-3 महीने के लिए कहीं चले भी गए तो कोई नोटिस नहीं करेगा, और अगर मैं वापस नहीं आया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? हम दोनों जानते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, और इसके बाद तुम्हें ना तो कोई मेडल मिलेगा, ना ही किसी न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पे फोटो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुमने किया क्या है, क्योंकि ऐसा कोई मिशन था ही नहीं। पासपोर्ट, टिकट, सेलफोन, सिर्फ इस नंबर से कॉल करना, ये कॉल्स किसी तीसरे कंट्री से रीरूट होकर हम तक आएगी। वैसे तो हमें कॉल ही मत करना, क्योंकि हम तुम्हें जानते नहीं। कैश, कार्ड्स, लॉकर की और कल के मैच की टिकट, नवाज विल मीट यू देयर। हजार लोग हैं, अगर वो यहाँ है तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन है उसे ढूंढने के लिए। तुम नवाज हो? 10% सीट स्मोकिंग एरिया में है, और वो एक चेन स्मोकर है, तो चांसेस आर वो यही होगा। तुम उसे आइडेंटिफाई क्यों करना चाहते हो? रॉय एक नई फाइल बना रही है उन लोगों की जो मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व थे। As you know, इस आदमी की एक ही एग्जिस्टिंग फोन है, और वो भी पुरानी। उसे कोई अच्छी तरह नहीं पहचानता, मैंने सिर्फ एक बार देखा है, उसके बाद उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। तो फिर हम किसे ढूंढें? Don't worry. इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक शक्ल ज्यादा नहीं बदली है। Wait! Stop, stop, stop! What's happened? क्या हुआ? वो यहीं कहीं होगा, वो अपनी सिगरेट का फिल्टर तोड़ के पीता है। What are you doing? Can you get off the ground, please? इसकी वैक्यूम क्लीनर में वैसे ही फिल्टर्स होंगे। Can you get out? अभी देखा मैंने एक। Guys, I've got a job to do here. Yeah? तुम लंदन में क्या करती हो? हम सिर्फ काम की बात करें। I'm a security consultant for Darkwater. It's a private company.
जो हाई रिस्क ज़ोन्स में सप्लाईज, सिक्योरिटी और वेपन्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। किसे? जो भी हमें अफोर्ड कर सके। तुम्हारा रॉ से क्या कनेक्शन? मेरी मदद क्यों कर रही है? $10,000. I identify him. I get the money. $10,000? You can buy me a drink then. सलाम करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही। इस आदमी को हमारे सिर्फ एक एजेंट ने देखा है, नवाज मिस्त्री। उस वक्त वो मेडिसिन इंटरनेशनल के लिए काम कर रही थी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अक्टूबर 2005 के अर्थक्वेक में 75,000 लोग मारे गए थे और लाखों जख्मी हो गए थे। उस टाइम वहाँ दुनिया भर से मेडिकल एड वर्कर्स जा रहे थे क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको इमीडिएटली वहीं पे वीजा दे रही थी। नवाज भी वहीं थी। बस यही एक फोटो है उसकी जो उसके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में थी जब वो क्रिकेट फैन बनकर 2005 में इंडिया आया था। लेकिन उसके बाद उसने लौट कर अपना चेहरा बदल लिया, प्लास्टिक सर्जरी। हमें किसी तरह कंफर्म करना पड़ेगा कि वो है। ओके, तुम उसके पीछे जाओ। अगर वो वापस आने लगे तो मुझे फोन करना। तुम कहाँ जा रहे हो? I have to be sure कि वो है। Thank you.
लश्कर का टॉप मिलिट्री ट्रेनर साजिद माजिद, साजिद बिल, अंकल बिल, अबू बरा, सब इसी के नाम है। 26 पासपोर्ट्स हैं। 26/11 के सभी टेररिस्ट को इसी ने ट्रेन किया, सारे ऑपरेशंस की प्लानिंग की, और उस रात कराची से हमारे न्यूज चैनल्स देख देख कर उन टेररिस्ट को इंस्ट्रक्शंस दिए। दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा करो उसे, गोली सीधे सर से निकलनी चाहिए। अब चला दो, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। क्या हुआ? He's coming back. पता लगा यही है कि नहीं? हेलो, हेलो। नहीं, तुम्हें पास से जाकर पता लगाना होगा। Are you crazy? मैं कह रही हूँ, I'm pretty sure. Are you 100% sure? Yes, almost. हम तुम्हें almost sure होने के लिए 10,000 pounds नहीं दे रहे हैं। I need you to be 100% sure. What do you want to do? अरे lighter मांगो, जरा पास से दिखेगा। Shit. Excuse me. Can I have a light? जो भी ग्रीन वॉक्सवैगन से निकले। What are you talking about? नीर के साथ बिल्डिंग में गए। उन्हें बाहर निकालो now. Why? Their lives are in danger. Get the old man and his daughter out now. Excuse me, sir. वो ग्रीन वॉक्सवैगन आपकी है? हाँ, क्यों? वो गाड़ी का अलार्म बज रहा है। अलार्म? आप जल्दी आइए। Where are they? What the hell's happening? कहाँ हैं दोनों? वो आ रहे होंगे। उसने कितने लोगों को मारा है? 6 साल से हम उसे ढूंढ रहे हैं। मुझे उसे मारने का एक मौका मिला था जो मैं नहीं जाने दे सकता था, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। नॉट एट माय कॉस्ट। दिस इज नॉट द वे आई वर्क। Sir. The massive explosion that ripped through the apartment block behind me reportedly killed 2 people. London police say that the explosion was caused by a gas leak. According to the local councillor, one of the men was a Pakistani businessman named Abid Ansari. Other unconfirmed sources say he was also called Abu Bara. Residents of this area are shocked by this incident. Yeah.
16CF505, State of Illinois versus Jude Rosario. We, the jury, find the defendant guilty of second-degree murder of Matthew Brody. मुंबई अटैक्स को प्लान करने में लश्कर का सबसे खास आदमी माँ अमेरिकन है और बाप पाकिस्तानी। पैदाइशी नाम दाऊद गिलानी, लेकिन 2006 में अपना नाम बदलकर डेविड कोलमैन हेडली रख लिया और एक नया अमेरिकन पासपोर्ट बना दिया। इस वेस्टर्न नाम की वजह से उसका इंडिया आना जाना आसान है। हिंदी उर्दू अच्छी तरह समझता है, लेकिन लोगों को कहता था कि वो एक अमेरिकन है। हेडली ने मुंबई में टारगेट्स ढूंढे, GPS कोऑर्डिनेट्स इकट्ठे किए और कॉन्टैक्ट्स बनाए। अपने हर दौरे के बाद पाकिस्तान जाकर लश्कर को वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाता रहा, उन जगहों जहां से टेररिस्ट आसानी से घुस सकें, अटैक कर सकें और वक्त पड़ने पर वापस लौट सकें। 2009 में हेडली शिकागो एयरपोर्ट में पकड़ा गया, लेकिन अमेरिका ने उसे इंडिया को हैंडओवर करने से इनकार कर दिया। अब वो शिकागो जेल में 35 साल की सजा काट रहा है। हेलो, उस कार्ड ने बताया कि आप भी इंडियन हैं। यूएस यहाँ ऐसे आए, मतलब क्या क्या मर्डर? पता ना कौन है, अमीना कहीं का मन करता है जान ले लो उसकी। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, आज पूरे हफ्ते की ड्यूटी अलॉट होने वाली है। कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे काम करने के? वो तो काम पे डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा पैसे किस काम के मिलते हैं? $90. Next. You Indian? Yeah. What are you in for? Murder. What are you in for? All clear.
से बिल्ली जैसी आंखें हैं उसकी। जब भी देखता हूँ ना, मेरा ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाता गुस्से से। वो करे भगवान का इसे लेके जा रहे हैं यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथ आप वाला काम हो जाता। ऑर्डर कहाँ ले जा रहा? टेक्सास हाई सिक्योरिटी जेल में। हे बेबी, झूठ बोल रहा हूँ। Who's this? उस दिन क्रिकेट मैच के बाद मैं ठीक से बाय नहीं बोल पाया। So sorry, मेरे घर का नंबर यहाँ से लग नहीं रहा है। तुम्हें तो पता है ना कितना मुश्किल होता है। और मेरे यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है, तो सोचा तुम्हें फोन कर लूँ। क्या काम है? मुझे $100 चाहिए। अभी? ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हो प्लीज? वेबसाइट का एड्रेस लिखो। jpay.com, लोकेशन इलिनॉय, शिकागो, आईडी नंबर 24686। हेलो, मेरे पास पैसा नहीं है। शिट। Four six eight six. I got a money transfer. For me? Yeah. $200. Sign here. घर वालों ने पैसा भेजा है? अच्छा है। अच्छा। Commissary? Yes. Where's the receipt? Plan kya hai? Succinylcholine. Succinyl kya? Succinylcholine, a quick acting depolarizing paralytic muscle relaxant. Perfect poison hai, jiska na to koi nishan milta hai aur jiska chhota sa dose bhi kafi hota hai. Nikalne ki bhi zarurat nahi. Zuban par touch hote hi asar karna shuru kar deta hai. दुबई में महमूद अल मबू के असैसिनेशन में मोसाद ने इसी का इस्तेमाल किया था। सीसीटीवी कैमरा पे पकड़े गए, वरना कभी पता ना चलता कि वो कैसे मारे। मिनट के अंदर अंदर बॉडी के सारे मसल्स ब्लॉक हो जाते हैं। कम से कम 5 मिनट तक आदमी सांस नहीं ले पाता। अगर ऑक्सीजन ना दी जाए तो आदमी खत्म। Clear.
गाइस, हेडली मर गया। हार्ट अटैक। हमारे सूत्रों के अनुसार शिकागो जेल में कल डेविड हेडली की मौत हो गई है। अभी तक शिकागो पुलिस से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। Six. You have a visitor. I have good news. They found Matthew Brody. They found him? He swam out of the river before the rescue team arrived. So now what? You're a free man. We'll get you out of here by tomorrow. पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन, हाउ मे आई हेल्प यू? मेरा नाम दानियाल खान है, मैं हाई कमिश्नर से बात करना चाहता हूँ। जी, मैं जान सकती हूँ किस सिलसिले में? मेरे पास साजिद मीर की मौत का इंफॉर्मेशन है। दिस इज हाई कमिश्नर शहरयार बेग। साजिद मीर का मरना कोई हादसा नहीं है, उसे रॉ ने मारा है। आई वांटेड टू थैंक यू। आई डोंट नीड योर थैंक्स। I just need to know what the hell you've got me into. क्या चाहते हो? इंडियन आर्मी से निकाले जाने की बेइज्जती का बदला चाहता हूँ। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं पाकिस्तान में लश्कर के लीडर से मिलना चाहता हूँ। जब तुम उनको खुद बता रहे हो कि साजिद मीर को इंडिया ने मारा है, तो एक्सीडेंट्स का दिखावा करने का क्या फायदा हुआ? वो तुम्हारा एविडेंस दुनिया को दिखा के इंडिया की अगेंस्ट केस बना सकते हैं। पिछले 6 साल से पाकिस्तानी अथॉरिटी सारी दुनिया से कह रही है कि साजिद मीर जैसा कोई आदमी है नहीं। अब जो कोई है नहीं, उसे कोई मारेगा कैसे? और हाई कमिश्नर ने क्या कहा? ब्लडी फूल, तुम क्या समझते हो कि मैं लश्कर का मुलाजिम हूं? मैं पाकिस्तान का हाई कमिश्नर हूं, लश्कर का नुमाइंदा नहीं। आइंदा यहां फोन मत करना। तो तुमने रॉ क्यों छोड़ा था? इन बातों का क्या फायदा? I have to go. कहाँ जा रही हो? बेरूत। बेरूत क्यों? तुम बहुत सवाल पूछते हो। हमारे प्रोफेशन में ऐसी इंफॉर्मेशन के पैसे लगते हैं। Well, मैं तुम्हारे कॉफी के पैसे दे सकता हूँ। सीरियन रेफ्यूजी कैंप्स को हम सिक्योरिटी और मटेरियल्स सप्लाई कर रहे हैं। सीरिया? उस जंग में तो पाकिस्तान से लश्कर के भी फाइटर शामिल हैं। एक कप कॉफी के लिए तुम्हें काफी इंफॉर्मेशन मिल गई है। हेलो पाकिस्तान हाई कमीशन, हाउ मे आई हेल्प यू? मैं दानियाल खान बोल रहा हूँ। ओके, होल्ड कीजिए। सर, वही दानियाल खान का फोन है। कहता मैं नहीं हूँ। सॉरी सर, द हाई कमिश्नर इज नॉट हियर एट द मोमेंट। थैंक यू। डू यू नो व्हेन? साजिद मीर के बारे में क्या जानते हो? साजिद मीर की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, उसे मरवाया गया था। तुम्हें किसने कहा कि साजिद मीर मर गया है? चलो, साजिद मीर नहीं तो आबिद अंसारी या साजिद माजिद या अबू बारा, इनमें से एक तो जरूर मरा है। मेरे पास प्रूफ है कि उस कमरे में जो आदमी था वो ये सारे नाम इस्तेमाल करता था। देखोगे? लंदन से क्यों फोन कर रहे हो? या तो तुम बेवकूफ हो या मुझे समझ लो। एक एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर है, इंडिया से तुम लोगों को क्यों कॉन्टेक्ट करेगा? अपना नंबर दे दो। नहीं, मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। अपना
अपना नंबर दो। लिखो। क्या लगता है फिरोज? सर मुझे तो इस आदमी की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। लेकिन उस गैस एक्सप्लोजन में जो मारा गया था वो साजिद मीर था, ये इसको कैसे पता चला? क्या प्रूफ हो सकता है उसके पास? मुझे तो कोई चाल लग रही है हैदर साहब। लेकिन अगर सच कह रहा है तो ये हमारे बहुत काम आ सकता है। और पता लगाओ इसके बारे में। हमसे क्या चाहते हो? मुझे पाकिस्तान आकर लश्कर के हारिस सईद या सबाउद्दीन उमवी से मिलना है। तुम पाकिस्तान नहीं आ सकते। लंदन में हमारे एजेंट हैं, उनसे मिलो और अपना प्रूफ दिखाओ। मुझे तुम्हारे एजेंट से नहीं, लश्कर के लीडर से मिलना है। अफगानिस्तान आओगे? नहीं, वहाँ इंडियन एजेंट्स बहुत हैं। मैं उनकी नजर में आ सकता हूँ? फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक जगह है सीरिया, वहां भी तो लश्कर के लोग हैं। पांच मिनट में फोन करूं। सर सीरिया? सही जगह है, वहां लश्कर के लड़के और हमारे लोग भी हैं। अगर सच कह रहा है तो पाकिस्तान ले आएंगे, अगर झूठ बोल रहा है तो और एक बॉडी सीरिया में कोई नहीं गिनेगा। पहुंचो सीरिया, अकलमंद हो तो लश्कर के लोगों से वहां रब्ता कर लेना। लेकिन पागल हो क्या? It's a war zone. मुझे वहाँ लश्कर के लोगों से मिलना है। तो जाओ। हर सेल्फ-स्टार जिहादी सीरिया जा रहा है लड़ने के लिए। तुम भी चले जाओ। वहाँ कोई वीसा पासपोर्ट थोड़ी ना पूछ रहा है। लेकिन लश्कर के लोग कहाँ हैं? ये सिर्फ तुम लोगों को पता है। मैं खुद ढूंढने की कोशिश करूंगा तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। I don't have so much time. दानियाल, मैं नहीं जानती लश्कर के लोग कहाँ हैं। हम सिर्फ रेफ्यूजी कैंप्स को। Come on, नवाज। डार्क वाटर असलियत में क्या करती है हम सब जानते हैं। ये रेफ्यूजी कैंप सिर्फ एक फ्रंट है। सीरिया में जो सारे जिहादी लड़ रहे हैं उन्हें अमेरिका हथियार सप्लाई करती है डार्क वाटर के थ्रू, और लश्कर भी उन रेबल फोर्सेस में शामिल है। तो तुम लोगों को जरूर पता होगा कि वो कहाँ हैं। तुम बार बार मेरे पीछे क्यों पड़ते हो? आईएसआई ने लश्कर को पहले से बता रखा है तुम्हारे बारे में। तुम रो
लॉ एजेंट हो मालूम है हमें। अभी तक टूटा नहीं है कुरैशी साहब, ये दिया इसने। ये कहां से मिले तुम्हें? मेरी सोर्सेस। अगर मुझे ये मिल सकता है तो सोचो और क्या क्या मिल सकता है। बोल कहां से मिले? मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेने का बस एक मौका चाहिए। मिलिट्री फैसिलिटीज, एयर बेसिस, अंदर की सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। लड़ाई की वजह से सारे सिग्नल टावर्स गड़बड़ हैं, नेटवर्क बड़ी मुश्किल से मिलता है। ठीक है, मैं सलाहुद्दीन जाकर भेजता हूँ। अगर आप मुझे पाकिस्तान नहीं ले गए तो यकीन मानिए उमर भर आप इस बात का अफसोस करेंगे। अफसोस हमें होगा या तुम्हें, ये पाकिस्तान में हमारे सदर तय करेंगे। जब तक उनसे बात नहीं हो जाती इसे यहाँ रखो। अभी तक समझ नहीं आ रहा है।
भेजो जल्दी। मैं खराब है, फोटो नहीं जा रहा। दानियाल खान कौन है पता करो। इन लोगों को बताना पड़ेगा कि हमें भी ये गेम खेलना आता है। एक्सप्लोजन में मारा गया, बिल्कुल साजिद मीर की तरह। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उनको पता चल गया सर। सर सीरिया में जो हुआ उसकी वजह से सर बता दो। शिट। Is there a connection between these two deaths, Mr. Singh? बड़ा ही सीधा कनेक्शन है। गैस एक्सप्लोजन के बदले गैस एक्सप्लोजन। राजन संपत की मौत एक रिवेंज किलिंग है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो ISI एजेंट की मौत के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है? राय, क्या तुम्हारे लोगों ने साजिद मीर को मारा है? नो सर, हमारे लड़कों के इन्वॉल्वमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता। सर ये सब करने का हमारे पास परमिशन कहाँ है? बिल्कुल नहीं है रॉय, और इसे याद रखना, बिल्कुल नहीं है। सर सीरिया में जिसको तुमने मारा वो लिस्ट में नहीं था दानियाल। सर मैं बता चुका हूँ, थिंग्स गॉट आउट ऑफ कंट्रोल, और कोई रास्ता नहीं था। दैट वाज अ स्टूपिड मिस्टेक। अब वो सब कुछ जानते हैं तुम्हारे बारे में। इससे पहले कि बात और बिगड़े तो वापस आ जाओ। सर वो वीडियो नहीं भेज पाया था, वो लोग सिर्फ मेरा नाम जानते हैं। We can still... oh, दानियाल। मीडिया में बात ही शुरू हो गई है, गवर्नमेंट के लोगों को शक हो गया है। We will be in serious trouble. लेकिन सर the mission is over. वापस आ जाओ right now. So that's it. मुंबई अटैक्स के पीछे जो सबसे बड़ी टेररिस्ट पाकिस्तान में आराम से बैठे हैं, उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी। अब तक तुमने जो भी किया सब बेकार हो जाएगा। अगर पहली मुसीबत पड़ते ही घर वापस भाग जाना था तो उस मिशन के लिए हाँ ही क्यों कहा? मैं भाग नहीं रहा हूं नवाज, मैं भाग नहीं रहा हूं। आर्मी में मेरा एक जवान था दिलावर सिंह, हर सुबह बड़े जोश में मुझे सलूट करता था। उस सलाम में जो इज्जत थी, जो जज्बा था, पता है मैंने इस मिशन के लिए हां क्यों कहा? क्योंकि मैं दिलावर सिंह की आंखों में अपने लिए फिर से वही इज्जत देखना चाहता हूं, वही सलूट चाहता हूं, उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ। क्या हुआ था? डोडा सेक्टर में हम अपनी विंटर पोस्ट को बचाने में लगे हुए थे।
72 घंटे से लगातार शेलिंग चल रही है। रेडियो रेडियो डाउन है सर। सर रीइंफोर्समेंट नहीं आती है तो लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। हम वहां से सिर्फ 4 घंटे दूर हैं। दो जवानों को तैयार करो। मैं जाता हूं सर। कोई भी आदमी चलने की हालत में नहीं था। 3 दिन से ना कोई सोया था ना किसी ने कुछ खाया था। अपने आदमियों को बंकर में छोड़ के मैंने अकेले जाने का फैसला किया। जितने भी आदमी थे सब मारे गए। मुझे आर्मी से निकाल दिया। अपनी पोस्ट को अपने आदमियों को छोड़ के भाग जाने के इल्जाम में डैनियल, मैं हमें पाकिस्तान ले जा सकती। आरिफ मिर्जा जी। What is the purpose of your visit? मैं Medicine International के साथ काम करता हूँ। Good to have you back in Medicine International now. Thank you so much. I visited Arif Mirza from South Africa. He's done extensive work with NGOs in Namibia and South Africa. Can I see your ID card, please? कितने दिन के लिए रुकना है? 10 दिन के लिए। Excuse me. This way, please. एक आदमी पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में इतनी देर क्यों लगे? दानियाल खान पे बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। 2 हफ्ते हो गए हैं और तुम उसका कोर्ट मार्शल हुआ था। ये सही है, इंटरनेट पे रिपोर्ट भी हैं। इसके अलावा ये पता चला है कि उसके वालिद एक रिटायर्ड कर्नल हैं। माँ बाप देवलाली में अकेले रहते हैं। US Embassy को फोन करो। मुझे हर उस कैदी की फाइल चाहिए जो हेडली के मरने के वक्त शिकागो जेल में था। रोज हमारे किसी आदमी को बोलो दानियाल खान के अम्मा बाबा को सलाम कराएं। मैंने मना किया था उसे। हाँ सर, इसके बावजूद वो पाकिस्तान पहुंच गया। लेकिन अब जब वो वहाँ पहुंच गया है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा सर। भरोसे का आदमी कौन है? सर खालिद, मोहल्ला जौहर में 3 साल से एक ढाबा चलाता है, हारिस सईद के मूवमेंट्स पर नजर रखने के। लाहौर कॉन्सुलेट में विनय को कहो कि वो दानियाल को कॉन्टेक्ट करे। विशाल सिंह, वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। वोटिंग कार्ड के लिए कुछ डिटेल्स कंफर्म करनी है। फैमिली में कितने लोग हैं? मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा। नहीं, मैं आपके हस्बैंड और बेटे की फोटो देख सकता हूँ? फोटो नहीं, वो चेक करना है। इलेक्शन सर पर है, जाली कार्ड के बहुत केस हो रहे हैं। वो डिपार्टमेंट ने कहा इसीलिए वी आर डूइंग दैट ऑल चेकअप वगैरह फोटोज वगैरह। Thank you.
निहाल खान, इनका फोटो देख सकता हूँ? अभी का नहीं है, थोड़ा पुराना है। हाँ चलेगा। हाँ ठीक है, एक मिनट, फोटो मिल गई सर, और वो कह रहा थोड़ी पुरानी है। एक रुपया लौटा दूंगा खुदा की कसम। महीने का 2000 रुपल्ली नहीं कमा पाता, 1,00,000 लौटाएगा। भाईजान सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं आसिया से, एक बार शादी हो जाए मेरी, देखना नसीब भी बदल जाएगा। अरे शादी का खर्चा तो लड़की वाले देते हैं। हाँ गरीब घर की लड़की है भाईजान, पूरी बिरादरी को कहाँ खिला पिला पाएंगे। और तू साला शाहजहां की औलाद है, तो आप ऐसे नहीं देंगे भाई। अरे कहाँ जा रहा है, और ये कौन रखेगा? इस मोटे से करवा लो, बैठे बैठे जलेबी खाता रहता है। क्या लेंगे जनाब? एक चाय, 2 समोसे। लगा दे। और नीली पाठक वाले कह रहे थे आपके शक्कर पारे बहुत अच्छे हैं। हाँ लेकिन वो सिर्फ शाम को ही मिलेंगे। लश्कर ए तैयबा का सुप्रीम लीडर आरिस सईद, दुनिया की हर मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में इसका नाम है, लेकिन खुलेआम घूमता है बिना किसी डर के। एक तरफ कलाश निकोव लिए लश्कर के आदमी इसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस एंड ऑफ कोर्स दी ISI। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसके सर पे $10 million का इनाम रखा है, और घर का पता सब जानते हैं। He is also on Twitter। और उम्मी क्या से बाकी रावलपिंडी जेल में रखा है? जेल कहाँ जनाब, होटल कहिए होटल। जब से वहां गया है 2 बच्चे पैदा कर चुका है। पाकिस्तान सरकार को भी तो अमरीकियों को दिखाना पड़ता है। अरे भाई लश्कर को दबाने के बारे में हम सीरियस, सो नाम के लिए भेज दिया जेल में। पांच दिन बाद बहुत बड़ी पब्लिक रैली होने वाली है हरी सिंह की। दानियाल किसी तरह से अगर एक हमारे हाथ में आ भी गया तो फिर दूसरे तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी हमें ढूंढने लगेगी। अंदस इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान की ज़रात और सनअत को बिल्कुल तबाह कर दिया जाए। पाकिस्तान आज इस हद तक कमजोर हो गया है, और आज तू दिल्ली में बैठ के ये कह रही है कि मैंने सर की कीमत मुकर्रर की, और तुम्हारे जिहाद ये नहीं है कि इसको भी मारो उसको भी मारो हर काफिर को मारो। की तो बात है भाईजान, खुदा कसम फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा। कहाँ का नवाब है तू जो 1,00,000 चाहिए? शादी सिर्फ एक बार होती है भाईजान, उसमें दोस्त रिश्तेदार बिरादरी सबको अपनी खुशी में शामिल करना है, और 1,00,000 कोई ज्यादा नहीं होते हैं। खाना पीना डेकोरेशन टेबलें कुर्सियां हैं फोटो लाइटें स्टीरियो सब मिलाकर उतना ही होता है खुदा की कसम। कब हो रही है शादी? सर ये पैसे दे दे तो हम आज ही कर लें। अम्मी भी गाँव से आ गई है गोटे का दुपट्टा ओढ़ कर, बेचारी बारात निकलने के इंतजार में दरवाजे भी टकटके लगाए बैठी रहती है कि कब आएगी उनके शहजादे शहजाद की बारात। खुदा की कसम अबे जितनी चाहे कसमें खा ले, मैं एक ढेला भी नहीं देने वाला। अरे इनसे अच्छे तो वो मुजाहिदीन थे, तिरेनी कैंप में दाखला दिलवा रहे थे 3,000 रुपये महीने का, एटोमेटिक बंदूक और बूट भी दे रहे थे, और अब तक तुझे फौत भी कर चुके होते। तो क्या हुआ, जन्नत ही तो जाते, तुम्हारी दुकान से अच्छी होती। जन्नत जाएगा बजा। उम्मी को कमर दर्द का पुराना प्रॉब्लम है, लाहौर से हर हफ्ते डॉक्टर जैन जाता है इंजेक्शन देने। डॉक्टर की अगली विजिट कब है? हर जुमरात को जाता है, यानी अब की 14 तारीख को जाएगा। रैली से एक दिन पहले डॉक्टर को किसी तरह अप्रोच कर सकते हैं? सोचना भी नहीं, 20 साल से है साथ उनके, डॉक्टर कम लश्कर का वफादार ज़्यादा है, न दम से मानेगा न दाम से। लेकिन हाँ डॉक्टर की एक पुरानी नर्स है अमीना भी। अमेरिकियों ने शिकागो वाली फाइल्स भेज दी हैं। ग्रेट, मुझे हर फाइल का प्रिंट आउट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, बोलिए जी। वो स्कूल का प्रोग्राम है, किराए पर सामान उठाना था। क्या क्या लगेगा जी? वो
जलसे तकरीरों में नहीं लगते हैं बड़े वाले माइक वो ऐसे वाले। अच्छा यही हरीश साहब की रैली 15 तारीख को है और उमवी से मिलने डॉक्टर 14 तारीख को जाएगा। हमारे दोनों प्लान सक्सेसफुल भी हो जाए तभी हम दोनों को एक बार खत्म नहीं कर सकते। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है अगर उमवी का डॉक्टर से मिलने 14 को नहीं बल्कि 15 तारीख को जाता है तो। और वो कैसे होगा? खालिद उस डॉक्टर के क्लिनिक में एक नर्स के बारे में बता रहा था। आपका अंदाजा सही था। रैली के लिए रशीद वाले ही साउंड इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। गुड। अच्छा सुनो, मुझे शहजाद की शादी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। शहजाद की शादी? मीना भाई वो डॉक्टर साहब 10 मिनट में निकल रहे हैं, हमीद आलम की दवाइयाँ मांग रहे हैं फौरन, पहले आप वो दे दीजिए। खालिद इन्हीं के बारे में बात कर रहा था, हस्बैंड शादी के 1 साल बाद ही मर गया था, एक बेटा था, अमीन अभी ने उसे अकेले पाला, वो लश्कर के लिए सुसाइड बॉम्बर बन गया। खालिद कह रहा था कि बेटे की मौत के बाद लश्कर के कुछ लीडर्स आए थे हमदर्दी जताने और पैसे देने जो सुसाइड बॉम्बर्स के फैमिलीज को दिए जाते हैं, तो अमीन अभी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें अपने घर में घुसने से भी मना कर दिया। दो दिन में शादी करवा रहा हूँ तेरी, सुन रहा है? शादी करवा रहा हूँ तेरी। भाई जान ऐसे बेहूदे मजाक हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। सच कह रहा हूँ। ये ले पूरे 50,000 है और 1 लाख नहीं पूरे 3 लाख दे रहा हूँ, धूमधाम से शादी कर अपनी, बाकी के कल दे दूंगा। तेरे ही देख क्या रहा, तेरे ही। थैंक यू भाईजान, थैंक यू, थैंक यू। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, आपकी किक पाई चुका दूंगा भाईजान। क्यों वरना शादी कैंसिल कर दूंगा तेरी। मैं जाके अम्मी को बताया और निकलेगी शहजादे शहजाद की बारात। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नवाज़ मिस्त्री है, मैं मेडिसिन इंटरनेशनल के लिए काम करती हूँ। हम यहाँ एक मेडिकल रिलीफ कैंप चला रहे हैं लेकिन वॉलंटियर्स की बहुत कमी है, खासतौर से मेडिकल स्टाफ की। आप पाकिस्तानी हैं? जी। लहजा अलग है। पारसी हूँ, फैमिली साउथ अफ्रीका में है पुश्तों से, लेकिन पाकिस्तान में कई साल काम किया है। हमें आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों की बहुत ज़रूरत है। क्या आप इस क्लिनिक में काम करना चाहेंगी? जितना भी वक्त आप निकाल सकें। नहीं, आपके बेटे के बारे में सुना हमने, अरशद की उम्र के कई ब्लास्ट विक्टिम्स आते हैं हमारे यहाँ। आपने भी अपना बेटा खोया है, आप इन बच्चों का दर्द समझ पाएंगे। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। बस एक बार कैंप तक तो आ जाइए, एक बार अपनी आंखों से देख लीजिए इन लोगों का क्या हाल है, हमें आपकी मदद की कितनी ज़रूरत है। फिर हाँ या ना आपकी मर्जी। खुदा हाफिज़। कितने फाइल्स हो गए फिरोज? करीब आधी हो गई हैं, कल रात तक पूरी हो जानी चाहिए। 4 माइक 2 स्पीकर और डिस्कवरी लाइट्स चाहिए। शादी है? कब पड़ेगा शादी जी? परसों शाम को। परसों? बड़ी जल्दी आ गए ऑर्डर लिखवाने के लिए, बक्के शादी करवा रहे हो क्या? मजाक कर रहा था, 14 को नहीं हो पाएगा जी, 15 को रैली। देखिए सारा सामान आपकी दुकान में परसों रात ही पहुंच जाएगा, सही सलामत। वो सब ठीक है जनाब, लेकिन मुमकिन नहीं है ना, शेख साहब की रैली है। कहाँ घूमता फिरूंगा इन वक्त पर? वो सब आप देख लो जी। देखिए पूरा का पूरा पेमेंट अभी कर देता हूँ कैश में। हैं जी? भाईजान ऊपर से आप भी कुछ रख लेना। क्या क्या चाहिए? मैं अभी देख के आती हूँ।
बच्चे हैं, 3 साल की बच्ची और 7 महीने का लड़का। जुम्मे बाजार से उसके लिए खिलौने लेने गए थे। सिर्फ 16 साल का है। बड़ी मस्जिद वाली ब्लास्ट में दोनों टांगे चली गई। नहीं जानती थी वो कब इस रास्ते पर निकल पड़ा, पता ही नहीं चला। अगर पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करने देती। जिंदगी जल्दी करो, शेख साहब की गाड़ी आ रही है। पाकिस्तान के लिए बीबी। We'll be right back.
सईद, आप बार बार पूछ रहे थे क्या चाहती है इंडिया। इंडिया चाहती है इंसाफ। नामुमकिन है सर। दानियाल, वो लोग मिनटों में पूरा शहर बंद कर देंगे। इससे पहले तुम वहां से निकल जाओ किसी भी तरह। मैं आपको बाद में फोन करता हूं सर। ओके, ठीक है, लेकिन अपना फोन ऑन रखना। जी। अपने कपड़े निकालो जल्दी। स्पायर हो रहा है, रिन्यू करवा। दादा भाई, कर रहे हैं सर, मैं सच कह रहा हूँ अल्लाह का सर, ये आदमी अकेला आया था मेरी दुकान में शादी का सामान लेने के लिए। शादी किसी से? या भाई, बच्चा मत होने वाला है, काहे टूट रहा है बेचारी पर, जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है। एक मिनट लगेगा, बस चेक कर लेता हूँ। अरे कमीने, जान निकल रहे हो, जल्दी चलो यहाँ से। एक मिनट लगेगा, चेक कर लेता हूँ भैया, एक मिनट। अरे तुम्हारी मां नहीं है क्या बदजात? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं चक्कू में आके एक एक को जान से मार दूंगी। अंधेरे जल्दी जल्दी। यहाँ से इंडिया बॉर्डर बस 26 किलोमीटर की दूरी पर है, इस एरिया का चप्पा चप्पा कवर कर दो। सर, लाहौर के आसपास का सारा बॉर्डर एरिया है, वो लोग 100% बंद कर देंगे सर। सर, यहाँ डेरा नानक पे हमारे कुछ लोग हैं, उनको बोलिए कि वो लाहौर से नॉर्थ की ओर ड्राइव करें। बॉर्डर जाने वाले लालो और धिलवान के रास्ते भी बंद करवा दो, हर गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन सर, वो अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ से तो निकल सकते हैं या फिर ईरान। लेकिन बॉर्डर तो नॉर्थ में भी बंद। सर, सारे लैंड बॉर्डर्स बंद हो चुके होंगे, उनसे कहिए साउथवर्ड्स ड्राइव करते रहें कराची की तरफ। लेकिन ऐसे तो वो पाकिस्तान के और भी अंदर फंस जाएंगे। सर, दानियाल भी वैसे ही आ सकता है जैसे वो लोग आए थे कराची से बोट में। लेकिन कराची पहुंचने में हमें कम से कम 10 घंटे और लगेंगे सर। और कोई रास्ता नहीं है दानियाल, पाकिस्तान का कोई भी बॉर्डर क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। 26/11 के बाद कराची के मनोरा जेटी पेट्रोल पंप पे हमने एक आदमी प्लांट किया था सर, वो आदमी दानियाल को वहां से अपनी बोट में ले जा सकता है। सर, लेकिन क्या? सिर्फ पाकिस्तान के टेरिटोरियल वॉटर्स की लिमिट तक, उसके आगे पाकिस्तानी नेवी उन्हें इंटरसेप्ट कर लेगी। सर, मुझे लगता है हमें अपनी बोट पाकिस्तानी वॉटर्स तक भेजनी चाहिए। वो तो मुझे भी मालूम है, उसके लिए गवर्नमेंट की क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। हरिश सईद और रूमवी मारे गए? जी सर, न्यूज रिपोर्ट्स बस आती ही होंगी। तुम्हें कैसे मालूम? सर, उन दोनों को हमारे आदमी ने मारा है। बोल सर जी, भाईजान के सफेद सुजुकी की गाड़ी है। निकालना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा आदमी है सर। हमारा नहीं, तुम्हारा आदमी है, रेम्बो बना के भेजा था उसको, अब खुद ही निकालो उसे बाहर। मुझे अभी के अभी सब कुछ प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। लेकिन सर, मेरी बात तो सुनो। आई से गेट आउट। जी जनाब, LEA 1901। जी जनाब, 11 बजे, सुबह 11 बजे जनाब। सर, सुबह 11 बजे लाल कुआं चेक पॉइंट से। कराची पुलिस को गाड़ी का नंबर भेजो। लेट मी बी ब्लंट सर,
क्या सबाउद्दीन उमवी और हारिस सईद को इंडिया ने मरवाया है? नहीं, इन दोनों की मौत से इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। Let me strongly reiterate at this point that India does not believe in vigilante justice. आज मीडिया का एक आइडिया है सर। मिस्टर रॉय। सर, दानियल खान का फोन आया था। सर, वो कह रहा था कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को सरेंडर करने वाला है और उनसे ये भी कहने वाला है कि दोनों किलिंग्स के पीछे भारत सरकार का हाथ है। नॉनसेंस। सर, दानियल ने धमकी दी है सर। वो कह रहा था कि आधे घंटे के अंदर वो सरेंडर कर देगा। जब तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है, हमें क्या एतराज है? रोक भाई, रोक। सर, यस सर, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, नेवी से बात कर रहे हैं। हाँ भाई, कहाँ से आ रहे हो? जी जनाब। लाइसेंस दिखाओ। जी जी, LEA 1901। समित। यस सर। पालम एयरबेस पर तुम्हारे लिए एक नेवी प्लेन तैयार खड़ा है, वो तुम्हें वेस्टर्न नेवल बेस तक ले जाएगा। मुझे सर लाहौर का बना हुआ है लाइसेंस। जी, चलो निकलो। ओ, जाने दो भाई। सब मौरीपुर। हमारा एक बंदा ही लेते जाओ यार। जी, चलो आजा। ओ शर्म करो, जनानी बैठी है पीछे से। आ चला, आ बैठ। समंदर पार करा देंगे, वहां से इंडियन नेवी आपको उठा लेंगे। मेरा सैटेलाइट फोन ऑन है, इसमें उनको हमारी लोकेशन पता रहेगी और वो आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू। गाड़ी मौरीपुर को जा रही थी। मुझे लगता है सर मनोरा जट्टी की तरफ जा रहे हैं, यकीनन बोट से निकलने वाले हैं। सर, नेवल कमांड को आगाह करो, इस एरिया की सारी बोटों को रोक ले। मसला हो जाएगा सर, मनोरा और मौरीपुर से तो बेशुमार बोटें निकलती हैं। I don't care! पानी में जितनी किश्तियां हैं सबको रोक दो, हर एक को। समय। ये सब ये बोट की पोजीशन है जो उनके सैटेलाइट फोन के सिग्नल से मिल रही है। Okay, sir. 10 मिनट में ये बोट इंटरनेशनल वाटर्स में आ जाएगी। रुके हुए किनारे से इतनी दूर क्यों हो? मच्छी का पीछा पकड़ रहे हैं हुजूर, आजकल बहुत कम हो गई है। चेक करो। रुक जरा,
उधर पीछे चेक करो। उधर पीछे भी हमारे आगे और भी कोई बोट्स थी मालूम नहीं हुजूर, या तो बस्ती घूम रही है। बस्ती क्लियर है जनाब। मुझे लगता है इन्हें रोका गया, दोनों बोट रुकी हुई। लाइट घुमा उधर। फायर करो उधर पानी में। अभी भी पाकिस्तान के पानी में, लेकिन वहां तक हम जा नहीं सकते। यहां से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इससे आगे जाने के ऑर्डर्स हमारे पास नहीं है। उन्हें इंटरनेशनल ऑर्डर्स में आना होगा। राजी करो, वापस बोट घुमाओ। हुजूर, लेकिन हम मेरे गाड़ा घुमाओ, चलो मेरे साथ। ठीक है, नेविगेशन चार्ज दिखाओ। पाकिस्तान वापस क्यों जा रहे हैं? हमें लौटना पड़ेगा। सर वो यहीं है, वो यहीं पर है सर, जहाँ बोट रुकी थी दानियाल वहीं पे है, हमें बस वहाँ तक जाना है सर। आई एम सॉरी, हमारे पास पाकिस्तानी बॉर्डर्स में जाने के ऑर्डर्स नहीं है। डन सर, रॉन्ग, वी हैव टू गो बैक। नो सर, नो सर, हम उनसे सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे हैं सर, हम उसे छोड़ नहीं सकते। मैं कह चुका हूँ हमारे पास पाकिस्तानी बॉर्डर्स में जाने के ऑर्डर्स नहीं है। टर्न बैक। नो, नवंबर 2008 की रात को आप कहां थे? कहां थे आप उस रात जब सिर्फ 10 लोगों ने हम 100 करोड़ लोगों को बेइज्जत किया था? आप जहां भी थे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको भी कमजोरी का, लाचारी का और बेइज्जती का एहसास हुआ होगा। आपका भी खून खौला होगा मेरी तरह, पूरे देश की तरह। और सब ये आदमी हम डूबता हुआ मरने के लिए छोड़ रहे हैं सर, इसने अकेले उन सब लोगों को मारा है जिन्होंने उस दिन हिंदुस्तान को उसके घुटनों के बल गिरा दिया था। सर, अगर आज हम इस आदमी को नहीं बचा पाए तो इस टेक्नोलॉजी का, इस पावर का सर, इस सब का क्या फायदा है सर? It's all useless. Thank you.
दिलावर सिंह की आंखों में अपने लिए फिर से वही इज्जत देखना चाहता हूं। वही से लूट चाहता हूं। उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ। मैम, हम आपको बेशक ले जाने आए हैं। नहीं, आज मैं किसी से पैसे नहीं लूंगा। जो मेरा बेटा ताज में वेटर की नौकरी करता था, उस रात उसे भी मार दिया गया। आज जब मुझे पता चला कि उन कातिलों को खत्म कर दिया गया है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बेटे के रूह को सुकून मिल गया है। इसलिए आज मैं पैसे नहीं लूंगा। हाँ चाचा जी। हाँ, एक और कप चाय मिल सकते हैं? जरूर जरूर। रे